हमारे दल में इवेन हमारा अपना भाई भी अगर होगा तो जब तक वो पार्टी के प्राथमिक और सक्रिय सदस्य नहीं होंगे और कम से कम उनको 2 साल संगठन में देना होगा, उसके बाद ही हमारे वो उम्मीदवार बनेंगे। यहाँ धन की आवश्यकता नहीं, हम विलुप्त होने वाले प्राणी नहीं है, ना जाने कितनों को विलुप्त कर देंगे। लिख लीजिए। नमस्कार, मैं हूं अनन्या और आप देख रहे हैं द HD न्यूज। इस बार विधानसभा की लड़ाई में एक नई पार्टी लड़ने जा रही है जिसका नाम है युवा समृद्धि दल। आगे आपको बता दें कि ये जो पार्टी है बिहार के सभी विधान सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इस बात की जानकारी देते हुए अमित सिंह, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, आइए उनकी बातों को सुनवाते हैं। समस्याओं का निराकरण करें और जनता की आवाज बने, तो उसके तहत हमने दिल्ली प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष श्री मोहन लाल गुप्ता जी को हमने बनाया है। राजस्थान में श्री उज्ज्वल सिंह शेखावत जी को हमने राजस्थान में प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। हिमाचल प्रदेश में श्रीमती प्रतिमा सिंह पठानिया को हमने प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। उत्तराखंड में श्री शांतनु सिंह बिष्ट को, जिस ये से योगी जी भी आते हैं तो ऐसा नहीं है, वो अलग हैं और वो युवा हैं और काफ़ी दमदार हैं। मध्य प्रदेश में हमने महेंद्र सिंह चौहान को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। छत्तीसगढ़ में हमने अभिषेक सिंह जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। असम में, जहाँ पे चूंकि हम जदयू में पूर्व में रहे हैं तो हमको अनुभव है पूर्वोत्तर का, वहाँ पार्टी जीतते रही है। आप ऊपर वाले की कृपा, आप सबों का सहयोग रहेगा, जनता का आशीर्वाद होगा तो युवा समृद्धि दल भी वहाँ अपने विधायक 2 प्रदेशों में कम से कम जीत कर अवश्य दिखाएगी। तो असम में हमने श्री विपुल कुमार महंता को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। अरुणाचल प्रदेश में श्री लोम्बो तायोंग खांडू को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। और बिहार में हमने संगठन प्रभारी श्री KV सिंह जी को बनाया है, जो अभी यहाँ नहीं है, किसी कारण से वो अभी दिल्ली में है, जो सुप्रीम कोर्ट के वो लॉयर हैं तो उनकी व्यस्तता रहती है, लेकिन वो हमारे संगठन प्रभारी यहाँ रहेंगे। बिहार के संगठन सह प्रभारी श्री अमित कुमार सिंह भोजपुर के हैं, वो ये हैं। उत्तर बिहार के जो संगठन अध्यक्ष हैं निरंजन सिंह चौहान, ये हैं। और दक्षिण बिहार के जो हमारे संगठन अध्यक्ष हैं श्री संजय कुमार सिंह, ये हमारे बगल में हैं। मध्य बिहार के जो संगठन अध्यक्ष हैं श्री भोला सिंह, ये हमारे बगल में हैं। तो ये सारे साथियों का स्वागत हम माला पहनाकर कर रहे हैं और विश्वास करते हैं ये जितने भी हमारे साथी हैं ये सभी, और मुख्यालय प्रभारी हमारे राजकिशोर शुक्ला जी हैं, और ये हमारे गोपाल झा जी सीतामढ़ी जिला से जिला संयोजक थे, अभी पुनः ये जिला अध्यक्ष बनाए जाएंगे। तो हम इन्हीं चीज़ों के लिए आप सबों को आमंत्रित किए थे कि इसकी जानकारी जन जन तक पहुँचाइए। और हम आग्रह करना चाहेंगे प्रदेश के युवाओं से, सभी लोगों से, कि आप पार्टी से जुड़िए। अब वंशवाद को मत देखिए, परिवारवाद को मत देखिए, एक बार मौका दीजिए, सबों को दिया है हमें भी दीजिए, निराश होने का मौका नहीं देंगे। अब आप सबों का जो प्रश्न है आप ले सकते हैं। क्या चुनाव लड़ेंगे, हर एक प्रदेश में लड़ेंगे या सिर्फ बिहार में लड़ेंगे? नहीं, लोकसभा चुनाव तो संपन्न हो चुका है, आने वाला जो विधानसभा चुनाव है वो जिन जिन प्रदेशों में हमारा संगठन है उन प्रदेशों में अवश्य लड़ेंगे और मजबूती से। बिहार में कितने सीटों पर लड़ेंगे? जी 243। हम गठबंधन वाले नहीं हैं और हम सत्ता की दलाली नहीं करेंगे, हमारा ये बात रिकॉर्ड पर रख लीजिएगा। हम जनता से हमेशा हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि हक दीजिए, ताकत दीजिए तो पूरी दीजिए, अन्यथा सत्ता का दलाल मत बनाइए, ताकि हम यहाँ आपके मत से जीत कर जाएं और ठीक विपरीत गठबंधन में चले जाएं हम अपने कुर्सी के लिए, तो वैसा हम नहीं करेंगे। नहीं, आप देख रहे हैं ना, युवा के साथ साथ अनुभव भी हमारे साथ शामिल है। आप देखिए, निरंजन जी हैं, संजय जी हैं, भोला बाबू हैं, किशोर, तो युवा अनुभव भी जरूरी है, लेकिन युवाओं को अत्यधिक प्रतिनिधित्व मिलेगा इस दल में। कई पार्टियां बनती है चुनाव से पहले जी, लेकिन फिर जब चुनाव आती है तो विलुप्त हो जाती है, क्या वैसा तो कुछ? ऊपर वाले से यही आशा मनाइए कि आपकी वाणी ये सत्य न हो,
हम विलुप्त होने वाले प्राणी नहीं है, ना जाने कितनों को विलुप्त कर देंगे। लिख लीजिए। अच्छा, कई बार ऐसा देखा गया है कि जी पार्टियां बन जाती हैं, लेकिन जब टिकट देने की बारी आती है तो दूसरे दल वाले को बुलाकर टिकट दे दिया जाता है, अपने दल वाले को उतना भाव नहीं दिया जाता जितना अन्य समय में संघर्षों के समय में दिया जाता। बिल्कुल, बहुत 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 सुंदर प्रश्न है। मैं आप सबों के माध्यम से यह क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हमारे दल में इवेन हमारा अपना भाई भी अगर होगा तो जब तक वो पार्टी के प्राथमिक और सक्रिय सदस्य नहीं होंगे और कम से कम उनको 2 साल संगठन में देना होगा, उसके बाद ही हमारे वो उम्मीदवार बनेंगे। यहाँ धन की आवश्यकता नहीं। बिहार में जाति को लेकर के लोग बड़ा मतलब तनाव होते हैं अपने अपने जाति के तरफ। युवा समृद्धि दल किस जाति का समर्थन? हम सब किसी जाति के न, हमारी जाति एक है वो युवा। और अब जाति पाति नहीं चलेगा, आप लोगों से भी आग्रह करेंगे कि तोड़ दीजिए ना इस जाति बंधन को। आप सभी पत्रकार बंधु यहाँ बैठे हैं, सभी तो समान कार्य कर रहे हैं, क्यों कोई आगे कोई पीछे, तो जाति के आधार पे तो नहीं है, तो फिर जाति क्या? कुछ नहीं, ईश्वर ने एक जाति बनाई हुआ मानवता है और जिसे हम आत्मसात करते हैं। आने वाले समय में कई पार्टियां और हैं, प्रशांत किशोर ने भी घोषणा किया है, कल मुख्यमंत्री जी का भी जो है कार्यकारिणी का बैठक है, तो ऐसे में कैसे सर्वाइव कर पाइएगा? बहुत सारी बड़ी बड़ी पार्टी, बड़ी बड़ी हाथी जैसी पार्टियां हैं और अभी आप जो है एक तरह से मतलब आपको ऊपर छुआ, कैसे सर्वाइव कर पाइएगा? बहुत सुंदर, समुद्र में बड़ी बड़ी नावें, बड़ी बड़ी जहाजें चलती है, क्या छोटी नावें नहीं चल रही हैं? छोटा बोट नहीं चल रहा है? जो बच्चा आज जन्म ले रहा है क्या वो मर जा रहा है? वही तो बड़ा होकर आगे कुछ बनता है, वही तो देश का भविष्य है। और अब इन लोगों का क्या है? 29-30 में नजर नहीं आएंगे? बिहार की राजनीति करवट ले चुकी है, 29-30 में बिहार में पॉलिटिकल वैकेंसी है, अब इनके जगह को हम भरेंगे। बिल्कुल। तो सुना आपने किस प्रकार अमित सिंह ने बताया है कि युवा समृद्धि दल बिहार के विधानसभा की सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। साथ ही उन्होंने यह भी बताया है कि बिहार समेत 10 राज्यों के अध्यक्ष की नियुक्ति की गई है। फिलहाल इतना ही, ऐसे खबरों के लिए आप देखते रहें द HD न्यूज़।